रिलीजियस ओसीडी के अंदर डेटा डिलीट होता है कैसे, वो है अद्भुत तरीका। रिलीजियस ओसीडी में भगवान के प्रति थूकने वाले, सेक्सुअल विचार, मूर्ति को तोड़ने वाले, लात मारने वाले विचार ओब्सेशन कॉमन है। तो इन विचारों से पीछा छुड़वाने के लिए सबसे पहले गाली थेरेपी, फिर डर को बढ़ाना, फिर कंपल्शन को स्टॉप करना और मंदिर को फाइट करना। मंदिर को फाइट करना मतलब मंदिर के पास से डेली जाना धक्के से, और इसके साथ साथ आपने मूर्तियों को भी अपने पैरों के और शरीर के बांध कर रखना है। तो ऐसे बांधना है जैसे मैं ये बांध रहा हूं, तो ये देखिएगा कि कोई घबराहट हो रही है? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा ना? नहीं। हाँ, होगा ही कुछ भी नहीं। हाँ, ये देखिए गाली भी दे रहे हैं। ये मेरे पास रस्सी रही। कुछ ब्लर होती है तो कर देना। बाकी ये खड़े हो जाओ यहाँ पर, भगवान से मतलब कोई नहीं, कोई पकड़ के रखो, फिर भी बांध ही देते हैं ना, जा आपको पूरा ही बना देते हैं। अब 24 घंटे आप मंदिर में ही हो। ये है असली फाइट, पैरों पर, सारे शरीर पर आपके मूर्ति मूर्ति मंदिर ही बना दिया पूरे शरीर को। तो चंद्रगुप्त जी कैसा फील कर रहे हैं? बढ़िया सर, हो गया डाटा डिलीट? हाँ जी। तो ये आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो आपका डाटा बहुत जल्दी डिलीट हो रहा है क्योंकि आप के अंदर लगन इतनी ज्यादा है। तो अभी आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, कैसा फील तो कर सर, रहे मैं बुला रहा हूँ जबरदस्ती, वैसे नहीं आ रही। कोई विचार आ ही नहीं रहा? नहीं। चलो, मन क्या कह रहा है? मन तो अभी थोड़ा शांत है सर। शांत हो गया? हाँ जी। ठीक हो गए? कितने अभी सर? 90%। अरे वाह, एक ही दिन में। चलो, ये मंदिर वाला भगवान वाला गया ना? हाँ जी बिल्कुल। और कल जो असली ओरिजिन है भगवान का, मंदिर में, हाँ मंदिर में भी चलेंगे और भगवान के बारे में भी मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे भगवान बने, कैसे उनका अस्तित्व होता है, कैसे वो पैदा होते हैं, कैसे डराते हैं, क्या सजा देते हैं, क्या काल्पनिक है, और कैसे सेक्सुअल रिलेशन गलत की श्रेणी में आया, कैसे पाप माना गया, क्यों माना गया, ये सारा कुछ धीरे धीरे कल मैं क्लियर कर दूंगा। तो अभी आप एकदम ओके हैं? हाँ जी। तो शाम को एक सेशन करेंगे, वो करेंगे अपना, उसमें रहेगा हिप्नोथेरेपी प्लस कैथार्सिस। तो कैथार्सिस और हिप्नोथेरेपी का एक सेशन अपना रहेगा लगभग एक घंटे के करीब। तो वो कुछ समय के बाद आप शुरू करते हैं, तब तक आप इन्हीं के साथ रहो और बार बार मंदिर में जा सकते हो और गाली देते रहोगे। हाँ, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं स्टडी के लिए बैठूंगा। हाँ, अब स्टडी के लिए बैठो। किताब है कोई? किताब तो सर आप दो कोई सर। हाँ, मैं दे देता हूँ किताब। चलिए, ये एक मेरे वाली किताब है, ये आप पढ़िए, ये लो। अब आप पढ़ो, अब आपने आधा घंटा इस किताब को पढ़ना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, चाहे नीचे रूम में पढ़ सकते हो, यहाँ भी पढ़ सकते हो। यही रहूंगा सर जब तक ये नहीं हटे। बस बस, अब आप आधा घंटा पढ़ते रहो, ठीक है? बाय बाय।